दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। और विंटर का महीना चालू हो गया है मनाली में, दबा के बर्फबारी भी हो रही है। मनाली में बर्फबारी चालू हो गई है, दबा के बर्फबारी हो रही है मनाली के ऊंचे वाले एरिए में। खासकर अटल टनल, कोकसर और शिशु की तरफ अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। जैसे मौसम का पूर्वानुमान था तो नवंबर के लास्ट वीक में ही बर्फबारी हुई और 1 दिसंबर को भी वहाँ पर थोड़ी बहुत उस तरफ बर्फबारी अच्छी खासी देखने को मिली है। ऐसे तो बर्फबारी मनाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1 महीने से रुक रुक कर तो जारी है। तो हाल फिलहाल जो भी आना चाहते हैं मनाली रिसेंट विजिट करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें फ्रेश स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। खासकर वो अटल टनल की तरफ जाएंगे और शिशु की तरफ जाएंगे और कोकसर की तरफ जाएंगे तो वहाँ अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है। वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि नवंबर के लास्ट वीक में स्नोफॉल होने वाला है, तो स्नोफॉल में दिखाता है प्रेसिपिटेशन 100% रहेगा तो स्नोफॉल होगा ही, लेकिन संभावना रहती है कि कहाँ पर स्नोफॉल होगा वो होने के बाद ही पता चलता है। ऐसे वो दिखाता तो है मनाली में ही स्नोफॉल होगा, तो अटल टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है उस तरफ भी अच्छा खासा स्नोफॉल देखने के लिए मिला और साउथ पोर्टल भी आता है, साउथ पोर्टल आता है मनाली की तरफ कुल्लू जिला में और नॉर्थ पोर्टल आता है लाहौल स्पीति जिला में, जिधर शिशु और कोकसर आता है। तो यदि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाली विजिट करेंगे और फ्रेश स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्रेश स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। अटल टनल के तरफ जाएंगे, शिशु की तरफ जाएंगे, कोकसर की तरफ जाएंगे, अटल टनल के पहले भी जो साउथ पोर्टल है उधर भी अच्छा खासा जो ऊंचे ऊंचे एरिए हैं उधर स्नो पॉइंट है बने हुए, उधर स्नो वाली एक्टिविटी भी कर पाएंगे। ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण रोहतांग पास और ऊंचे ऊंचे जो चोटियां हैं कुंजुम पास, बारालाचा पास, ये सारे बंद हो गए हैं। तो ये रिसेंट अपडेट है, मनाली में स्नोफॉल हुआ अच्छा खासा। जो लोग यहाँ पर लास्ट वीक में थे बहुत लोगों ने अटल टनल विजिट किया, उस तरफ थे शिशु की तरफ थे, कोकसर की तरफ थे, और जो इधर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल साउथ पोर्टल की तरफ भी थे तो उधर भी अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है। इस तरफ उन्होंने भरपूर स्नोफॉल का मज़ा लिया। और ये जो व्यू मैं दिखा रहा हूँ ये अटल टनल के साउथ पोर्टल वाले एरिया का ये व्यू है, तो उधर अच्छी खासी हरियाली है तो पेड़ों पे भी अच्छे खासे बर्फ गिरे हुए हैं। तो यदि फर्स्ट वीक और दिसंबर में यदि विजिट करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ्रेश स्नो देखने के लिए मिल जाएगा उस तरफ, और थोड़े बहुत स्नो पॉइंट बने हैं तो स्केटिंग और वो सारी एक्टिविटी ट्यूब स्लाइडिंग वाली डिफरेंटली पहुँच के अच्छी खासी स्नो एक्टिविटी भी इंजॉय कर पाएंगे।